पानी बहुत खास है अंकल, आप बस शहर में चला जाऊंगा। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इसी योजना के तहत शायद नरेंद्र भाई मोदी ने कहीं ना कहीं सोचा कि जल शक्ति अभियान का जो ये कार्यक्रम रखा गया उसके तहत इसको समस्त भारतवर्ष में लागू किया गया, आंदोलन की तरह इसे चलाया गया। और इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में और नाहन ब्लॉक में हमारी एक छोटी सी पंचायत है आंबोला सैनवाला, हर पंचायत में माननीय उपायुक्त महोदय की तरफ से लक्ष्य रखा गया था कि हर एक पंचायत में जल शक्ति अभियान के तहत 5-5 जोहड़ अवश्य बनाए जाने चाहिए। तो इसमें शुरुआत करते हुए सबसे पहले हमने ग्रामवासियों, महिलाओं और सभी बुजुर्गों का सहयोग लेकर एक जोहड़ श्रमदान में बनाया और उसी लक्ष्य को आगे चलते चलते एक और दूसरा जोहड़ हमने श्रमदान में बनाया और एक तीसरा जोहड़ जो बहुत पुराने समय में बना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, उसका हमने दोबारा से जीर्णोद्धार किया, उसकी मेंटेनेंस की। एक और चौथा जो जोहड़ है हमारे परंपरागत बना हुआ है और पांचवा जोहड़ जो है हम मनरेगा योजना के तहत बना रहे हैं। हमने नए ढंग से और आज की आवश्यकता को देखते हुए और भारतीय संस्कृति को देखते हुए इन तालाबों का निर्माण जो है हमारे ये यशस्वी नेतृत्व के अंतर्गत हमारे प्रधान जी हों, हमारे जो विधायक हैं, जो स्पीकर भी हैं, सब ने ये प्रेरणा दी कि आप अपने यहाँ पानी का संवर्धन करो। हमारे यहाँ प्राचीन काल से एक कहावत है, इमा आपा शिवा संतु, क्योंकि ये कल्याणकारी हैं जल। इस जल का संरक्षण, संवर्धन और अनंत काल तक बने रहने का जो प्रयास है वो आज की सरकार भी कर रही है, आज के युवा भी कर रहे हैं और हमारे जैसे जो वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाले लोग हैं हम भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है इसमें सहयोग दे रहे हैं। हमने करके दिखा दिया है कि जो समय और अवधि दी गई थी उसके अंतर्गत हमारे 5 तालाब बन गए हैं।